लाइव विंडो के अंदर टेस्ट देंगे, अपने सारे लाइव कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन होगा, एकदम बढ़िया माहौल। सब्जेक्ट वाइज तुम्हारी रैंक आ रही है, सब्जेक्ट वाइज तुमने कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, तुम्हारा एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है, कि भाई क्वेश्चन तुम बहुत सारे करते हो, एक्यूरेसी क्या है, 42% तुम तो नेगेटिव कर रहे हो। कई बार क्या होता है, आप टेस्ट के बाद बोलते हो दो क्वेश्चन और सही किए होते तो मेरी रैंक 10,000 इंप्रूव हो जाती, तो वो आप देख सकते हो। अब मानते हैं कि एक पर्टिकुलर टेस्ट हुआ मेरा यकीन बैच के अंदर, और ये सभी बैच के अंदर लागू हो रहा है, पीडब्ल्यू के चाहे लक्ष्य बैच हो, चाहे अर्जुना बैच हो, चाहे कोई भी बैच हो। मान लेते हैं मेरा कोई एक टेस्ट हुआ किसी एक यकीन बैच के अंदर, मेरा एक फुल सिलेबस टेस्ट हुआ, या मेरा एक नीट का मेरा एक टेस्ट हुआ, ठीक है, मेरा एक नीट का टेस्ट हुआ बैच के अंदर, मैंने टेस्ट दे दिया, सबमिट कर दिया। अब मैं देखता हूं कि मेरा टेस्ट का एनालिसिस मुझे क्या क्या दिखाएगा, और वो एनालिसिस कहां कहां जाएगा ये भी देखते हैं। तो चलते हैं टेस्ट एनालिसिस के ऊपर, बहुत बढ़िया चीज बनाई है, ये रही टेस्ट एनालिटिक्स। अब देखते हैं, तो मान लेते हैं कि मैंने टेस्ट दे दिया है, टेस्ट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, ये लिखा हुआ है रिजल्ट डिक्लेयर्ड। बेटा रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 6 घंटे बाद टेस्ट के, लाइव विंडो के अंदर टेस्ट देंगे, अपने सारे लाइव कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटिशन होगा, एकदम बढ़िया माहौल। अब अटेम्प्टेड और रिजल्ट डिक्लेयर्ड। अब हम गए इस टेस्ट के अंदर। अच्छा, सबसे पहले मेरे नंबर कितने हैं, 720 में से 330 आए हैं, कोई बात नहीं, इंप्रूव हो जाएंगे, पहुंच जाओगे 650 तक। रैंक क्या आई है बैच के अंदर मेरी, बैच के अंदर मेरी 7961 रैंक आई है, कोई बात नहीं, ठीक रैंक है। अच्छा, ये रिजल्ट की समरी थी। अब देखते हैं डिटेल एनालिसिस, भाई बहुत डिटेल में जाएंगे कि मेरे कितने करेक्ट हैं, मेरे 102 क्वेश्चन करेक्ट हैं 180 में से, गलत कितने हैं 78 गलत हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई, कितने स्किप किए, एक भी एक स्किप नहीं किए, सारे अटेम्प्ट किए थे, एक्यूरेसी का परसेंटेज मेरा 56 है, 100% टेस्ट पूरा कंप्लीट किया है, टाइम मैंने लिया है करीब करीब 2 घंटे, 1 घंटे 58 मिनट लिखा है, मेरे इतने में टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये तो बहुत ऊपर से एनालिसिस हुई, ये तो ऐसे ही पता होता है। और अंदर चलते हैं, सेक्शन वाइज चलते हैं कि भाई फिजिक्स में मैंने कितना स्कोर किया, 50, मेरा परसेंटाइल क्या है, 38% है। अब परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा, क्लास में जितने बच्चों ने लाइव आपके साथ टेस्ट दिया है उनसे कंपेयर होकर आपका परसेंटाइल निकला है। अच्छा, आपकी रैंक फिजिक्स में क्या रैंक आई है क्लास के अंदर, ये मतलब क्लास में मैं फिजिक्स में पीछे चल रहा हूं, केमिस्ट्री में मेरी रैंक ठीक चल रही है, ऐसा तो ये रैंक सभी क्वेश्चनेबल है, पर तुम्हें सब्जेक्ट वाइज अपनी रैंक पता चल रही है कि यार फिजिक्स में मेरी क्लास में 50,000 रैंक आ रही है और केमिस्ट्री में मेरी क्लास में 500 रैंक आ रही है, यानी तुम केमिस्ट्री को बहुत टाइम दे रहे हो, फिजिक्स को बिल्कुल टाइम दे रहे हो। सब्जेक्ट वाइज तुम्हारी रैंक आ रही है, सब्जेक्ट वाइज तुमने कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, तुम्हारा एक्यूरेसी का परसेंटेज क्या है, कि भाई क्वेश्चन तुम बहुत सारे करते हो, एक्यूरेसी क्या है, 42% तुम तो नेगेटिव कर रहे हो, तुम टाइम कितना ले रहे हो, तुम 34 मिनट ले रहे हो, 31 मिनट ले रहे हो, सब्जेक्ट वाइज। अभी और अंदर चलते हैं, अब परफॉर्मेंस कंपैरिजन स्टार्ट होगा। अब कंपैरिजन, तो मान लेते हैं तुम्हारा स्कोर 330 है, तुमने कितने करेक्ट किए हैं, 102, तुम्हारे क्लास के टॉपर का स्कोर क्या है, 720, उसने कितने करेक्ट किए, ऑफकोर्स पूरे किए होंगे 180। एवरेज तुम्हारे क्लास का स्कोर क्या चल रहा है, एवरेज स्कोर कितना चल रहा है, 336, तो भाई तुम तो एवरेज बच्चे से भी पीछे हो। तो हम लोग खुद से बोलते हैं ना, हम एवरेज हैं कि बिलो एवरेज है, डेफिनेटली इस टाइम हम बिलो एवरेज हैं और हम बहुत पीछे छूट चुके हैं, तो सिलेक्शन से तो हम बहुत दूर है, समझ में आ रहा है। करेक्ट इसने कितना किया, एवरेज बच्चे ने 92 किया है, तुम इनकरेक्ट 78 कर रहे हो, एवरेज बच्चा 32 इनकरेक्ट कर रहा है, यानी तुम्हें यह समझ में आ गया कि तुम बहुत इनकरेक्ट कर रहे हो, भाई तुम बहुत ज्यादा यहां पे तुक्का लगा रहे हो, जय माता दी, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम 78 लगा रहे हो, देखो एवरेज बच्चा 32 लगा रहा है, स्कोर बराबर है, यानी अगर तुम इसको 32 कर लेते बेटा तुम्हारा नंबर यही कितना इंप्रूव हो जाता। बच्चे बोल रहे हो यही तो मैं कर रहा था इतने दिनों से, यही जय माता दी करना बंद करो, है ना। एक्यूरेसी क्या है तुम्हारी, 56, एवरेज बच्चे की एक्यूरेसी को 66, मतलब ये जो पर्टिकुलर बच्चा जिसका ये विंडो खुला है वो बहुत जय माता दी करता है, उसका एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत खराब है। इसके बाद और डिटेल में चलते हैं, कुछ और तुमको दिखाते हैं, ये तो सेक्शन वाइज हुआ, अब चलते हैं डिटेल्ड एनालिसिस में, अब समझते हैं कहानी। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट में, चूज करते हैं कि किस सब्जेक्ट का मुझे अपना पेपर एनालाइज करना है। मैंने फिजिक्स खोला, अब फिजिक्स में मैंने खोला कि यार फिजिक्स में क्या आया है, ये आया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के 50 क्वेश्चन आए हैं, 19 करेक्ट किए हैं, 26 इनकरेक्ट किए हैं, ये एक्यूरेसी है। अब इसका अंदर ब्रेकडाउन चैप्टर का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितने क्वेश्चन आए थे, भाई 11 आए थे, 3 करेक्ट किए, 1 इनकरेक्ट किया, ये एक्यूरेसी है, ये टाइम लिया, बहुत सुंदर, बहुत तुम्हारा ये माइक्रो लेवल तुमको समझ में आ रहा है कि कूलम्स लॉ का क्वेश्चन मुझसे हमेशा गलत होता है, भाई साहब ये तो मेरा टॉपिक खराब है। अब जो तुम लोग कह रहे थे ना, जो अभी सारे टीचर्स बात कर रहे थे टेस्ट एनालिसिस, तुमको एक्चुअली पता चल जाएगा तुम्हारा ये टॉपिक खराब है। और कई बार तुम बोलते हो कूलम्स लॉ क्या है, आसान है, वो तो पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था, और फिर तुम्हारा क्वेश्चन हिल नहीं रहा है,
इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसको पढ़ने की जरूरत है। इसके साथ साथ नीचे अब तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस भी दिखाएगा कि भाई क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, क्या तुम्हारा वीक टॉपिक है। जैसे यहां पे दिखा रहा है कि तुम्हारा वीक टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब ये एक ही चैप्टर का टेस्ट था, वो इसने इतना खराब किया था, उसका तो वीक ही टॉपिक हो गया। यहां तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी दिखाएगा। और डिटेल में चलते हैं, और भी एनालिसिस तुमको दिखाते हैं और होगा इसके अंदर। देखो अब देखो और एनालिसिस। अब तुम क्वेश्चन वाइज खुद को एनालाइज करो तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट अपन जो ठीक है जो भी है सबका नेगेटिव है। ये क्वेश्चन तुमने क्या किया है, तुमने करेक्ट किया है, बहुत बढ़िया। टॉपर ने भी करेक्ट किया है। अब कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, तुमने करेक्ट किया 45 सेकंड में, टॉपर ने करेक्ट किया 19 सेकंड में। 66% बच्चों ने भी करेक्ट किया, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है तुमने। तुम्हारी 60% क्लास इस क्वेश्चन को आंसर कर ले रही है, तो बहुत डिफिकल्ट सवाल भी नहीं था। और 66% जनता ने इसको सॉल्व किया 40 सेकंड में। भाई तुमने सॉल्व किया 45 सेकंड में, तो तुम तो लैग कर रहे हो, तुम तो पीछे चल रहे हो। तुमको अभी क्या करना होगा, अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी होगी। एक एक क्वेश्चन लेवल का आपका एनालिसिस है। देखो 66.3% मार्क दिस ऑप्शन इन एन एवरेज टाइम ऑफ 40 सेकंड, वेयर एज यू मार्क दिस इन 45 सेकंड। दिस वे यू कैन गो टू एनीथिंग। अब कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, कितने स्किप किए, तुमको इनकरेक्ट देखना हो इनकरेक्ट देख लो कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सब मेरे साथ गलती करते हो, मैं अकेला ना हूं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे गए। अब मैं देख रहा हूं भाई मैंने कितने इनकरेक्ट किए। देखा मैंने इनकरेक्ट किया 37 सेकंड में, टॉपर ने करेक्ट किया है 24% ऑफ क्लास ने इसको करेक्ट भी कर रखा है, तो मैं यार उन 24% में नहीं हूं, मैं सिलेक्शन से बाहर हूं। और क्या एनालिसिस कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल पे गए कि भाई जिसमें देखो जिसमें मीडियम ही है, हो सकता है इसमें डिफिकल्ट भी होता, इजी भी होता। और क्या है, सब्जेक्ट लेवल पे गए कि देखता हूं मेरा बॉटनी में क्या हाल है। तो बॉटनी में मैं देख रहा हूं मेरे 33 करेक्ट है, 12 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन लेवल पे मैं गया, मैंने देखा ये मैंने भी करेक्ट किया और मैंने टॉपर से भी तेज किया है, यानी यार बॉटनी में मेरा मामला हो सकता हो सही चल रहा हो, इस चैप्टर में सही चल रहा हो। तो जितनी डिटेल्ड में एनालिसिस हो सकती है उतनी डिटेल में एनालिसिस होगी टेस्ट की। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लीडर बोर्ड है कि भाई क्या मैं टॉप में आ रहा हूं कि नहीं, क्लास के टॉप 10 में नहीं आ रहा हूं तो कहां पे आ रहा हूं, ये दिख रहा होगा। ठीक है, मैं नहीं, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये पोर्शन कि आप सब्जेक्ट वाइज कैसे चल रहे हो, टॉपिक वाइज आपका स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक कौन सा है। ये जो आपको दिख जा रहा है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में मेरा सॉल्यूशन वीक है, केमिकल काइनेटिक वीक है, और बायोलॉजी के अंदर मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वीक है। अब मुझे इन टॉपिक्स पे मेहनत करनी होगी। तो इस लेवल का एनालिसिस आपके टेस्ट का होगा। नीचे एक और छोटी सी चीज है मैं दिखा देता हूं, बहुत यूजफुल तो नहीं है। कई बार क्या होता है, आप टेस्ट के बाद बोलते हो दो क्वेश्चन और सही किए होते तो मेरे रैंक 10,000 इंप्रूव हो जाती, तो वो आप देख सकते हो कि अगर सही में मैंने दो क्वेश्चन सही किए होते तो मेरी रैंक 400 ही इंप्रूव हो रही थी, तो तुमको बहुत सारे सही करने होंगे। तो ये मार्क्स वर्सेस रैंक प्रेडिक्टर है कि तुम चेक कर सकते हो कि मैं चार क्वेश्चन और सही करता तो मेरी क्या रैंक आती, अगर मैं चार क्वेश्चन निगेटिव नहीं करता तो क्या रैंक आती, वो आप चेक कर सकते हो। अब ये टेस्ट एनालिसिस एक तो आपको देंगे, तो पहली चीज क्या है, स्टूडेंट्स ट्रू मिरर रिपोर्ट, शीशे तुम्हारे सामने, आईना तुम्हारे सामने, ये तुम्हारी गलती, ये तुम्हारे वीक टॉपिक। अब तुम खुद को झूठ नहीं बोल सकते टेस्ट के बाद कि मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, टेस्ट का पूरा एनालिसिस तुम्हारे सामने।